हरिहल्पाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् गौतमो गणि मंगलम् कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रदानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकार्षते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदे तु सौव सिद्धे त्वमचल मनोवयं गतिं पत्ते पोच्छामि समय पाहुड मोक्षुत केवली भणिनम। समय सारजी परमागम की छठे नंबर की गाथा के सेकंड पैराग्राफ पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें मैंने जो ज्ञाकार अवस्था में ज्ञात हुआ, स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी वो तो ज्ञाय की है, ये चर्चा इसमें अपनी चल रही थी। गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें देखिए बहुत जोरदार बिंदु एकदम स्पष्ट करने वाले आए थे। प्रवचन में गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, जैसे दीपक घट पट को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है और अपने को यानी अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है। दो परिस्थितियां दीपक की सामने रखी अपने। कौन कौन सी दो परिस्थितियां? एक तो घट पट को प्रकाशित करने की दशा वाला दीपक, ठीक, और दूसरा अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था। मतलब दीपक को दो दृष्टियों से आप देखो कि घटपट को प्रकाशित करने की अवस्था एक और अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था, दोनों में दीपक में क्या अंतर है? चाहे वो अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करे तो भी दीपक है, और घटपट को प्रकाशित करने की अवस्था में भी आप उसे देखो तो भी वो क्या है? तो कहते हैं वो दीपक है, दीपक के अलावा कुछ नहीं है। ये उदाहरण। इसी तरह इधर ज्ञान में दो परिस्थितियां घटित करो कि ज्ञान विश्व के ज्ञाकारों को प्रकाशित करने की अवस्था में, अथवा अपने स्वरूप को प्रकाशन करने की अवस्था में, है ना? तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। ऐसा नहीं होता कि वो दीपक जिस समय घटपटादि को प्रकाशित करने की अवस्था के काल में दीपक में कुछ अलग अतिशयता हो और अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था के काल में उसमें कोई अलग विशेषता हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी वो चाहे घटपटादि को प्रकाशित करने की दशा हो, चाहे अपने ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की स्थिति हो, अवस्था हो, दीपक तो दीपक है, क्योंकि ये दो चीजें है ही नहीं। माने घटपटादि को प्रकाशित करने वाला दीपक अलग होगा और अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने वाला दीपक अलग होगा, कहते ऐसी दो परिस्थितियां नहीं है। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो दीपक घटपटादि को प्रकाशित के त्यापन दीपक से घटपटादि रूप होता नहीं है ना। अच्छा एक बात, और अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करे तब भी दीपक दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं है ना। तेम उसी प्रकार ज्ञायक का भी समझना, ये टीका के मूल शब्द गुरुदेव श्री ने पढ़े। देखो ज्ञायक
घटपटादि को या रागादि गेयाकारों को जानने की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। देखो दो बातें ली, कौन कौन सी अवस्थाएं ली, रागादि गेयाकार यानी आत्मा की एक समय की परिणति में उत्पन्न होता हुआ रागादि विकार, उसको बोलेंगे रागादि गेयाकार। तो रागादि गेयाकारों को जानने की अवस्था हो तो उस समय भी वो तो ज्ञायक है, एक बात। और अपने को जानने की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। अपने को ऐसा लगता है कि अपने को जानने की अवस्था में ज्ञायक कुछ विशेष है और घटपटादि को जानने की अवस्था वाला ज्ञायक कुछ हल्का है, ऐसी दो चीजें है ही नहीं ना। तो घटपटादि का प्रकाशन, जिसको अपन घटपटादि का प्रकाशन बोल रहे हैं, सच में वो भी तो ज्ञान का ही प्रकाशन है ना। वो बताया था ना उस दिन 215 नंबर के कलश के आधार पे बताया था ना कि ज्ञान में जो गे ज्ञात होते हैं तो यह तो ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदय है, आगे नहीं है। उसमें गे कहां है, वो तो तेरे ज्ञान की स्वच्छता का परिणाम है, वो तो तेरे ज्ञान की ही प्रसिद्धि है वास्तव में। तो वो चाहे रागादि को या घटपटादि को, परगेयों को जानने की, गेयाकारों को जानने की अवस्था का अवस्था में भी ज्ञायक है और अपने को जानने की अवस्था में भी ज्ञायक है। घटपटादि रूप, घटपटादि या रागादि को जानने के काल में भी ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही है, घटपटादि अन्य रूप नहीं। ये इसमें एक बहुत मार्मिक न्याय दिया कि कोई अवस्था हो, ज्ञान को जानने की अवस्था हो, आत्मा को जानने की अवस्था हो, अथवा ज्ञान में घटपटादि अथवा रागादि अथवा गेयाकार को जानने की अवस्था हो, हर अवस्था में ज्ञान की पर्याय तो कैसी है कि ज्ञान की पर्याय ज्ञान रूप ही है, वो घटपटादि अन्य रूप नहीं है। राग को जानने से ज्ञान रागी नहीं हो जाता, अशुद्धता को जानने से ज्ञान अशुद्ध नहीं हो जाता, विकार को जानने से ज्ञान विकार नहीं हो जाता, पुद्गल को जानने से ज्ञान पुद्गल नहीं हो जाता। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, माने ज्ञान को कितने रूप होना पड़ेगा इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जिसको जाने उस रूप हो जाए ज्ञान, तो फिर ज्ञान बचेगा कहां, है ना। क्योंकि ज्ञान ने राग को जाना तो ज्ञान तो राग हो गया, अब राग हो गया तो घटपटादि को जाना तो ज्ञान तो घटपटादि हो गया, तो क्या हुआ इसका मतलब कि राग जड़ है और घटपटादि जड़ है, और इनको जानने से यदि ज्ञान जड़ हो गया, थोड़ी सोचो जरा सा कि ज्ञान जड़ हो गया तो ये राग है ऐसा किसने जाना फिर, क्योंकि जानने वाला तो जड़ हो गया। क्योंकि राग को जानने से ज्ञान राग रूप हो जाए, पुद्गल को जानने से ज्ञान पुद्गल रूप हो जाए, तो पुद्गल और राग क्या है, जड़ है के चेतन, पुद्गल को जानने वाला ज्ञान अगर पुद्गल हो जाए तो पुद्गल जड़ है, राग को जानने वाला ज्ञान यदि राग रूप हो जाए तो राग जड़ है। तो अगर वो ज्ञान जड़ को जानने से जड़ रूप हो जाए तो फिर ये राग है ऐसी साक्षी कौन दे रहा है, नहीं आया समझ में, आया पॉइंट समझ में आया कि नहीं, कि ये राग है ये साक्षी किसने दी, राग ने दी कि ज्ञान ने दी, है ज्ञान ने दी। इसका मतलब क्या हुआ कि राग को जानने वाला ज्ञान सच में राग रूप नहीं हुआ, राग को जानने वाला ज्ञान राग से भिन्न रहा, तभी तो वो ये साक्षी देने के लिए बचा है कि ये राग है। पुद्गल को जानने वाला ज्ञान पुद्गल रूप नहीं हुआ, तभी तो वो ज्ञान ये साक्षी देता है कि पुद्गल है, और अगर वो पुद्गल रूप हो जाए तो क्या होगा कि फिर उस ज्ञान में रूप रस गंध वर्ण हो जाएंगे, फिर ज्ञान का वजन होगा। तो एक समय सार 1 किलो का है, समझ लो ये समय सार ग्रंथ 1 किलो का है,
और ये समय सार अपने को पूरा कंठस्थ हो जाए तो फिर अपना एक किलो वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ज्ञान में देखो, ज्ञान में अगर पुद्गल आएगा तो पुद्गल में जो कुछ है वो सब ज्ञान में आएगा ना। किसी रंग को ज्ञान में जाना तो जिस रंग को ज्ञान में जाना उस रंग का ज्ञान हो जाएगा। जितने वजन को ज्ञान में जाना, तो अभी ये स्वाध्याय भवन को ज्ञान जान रहा है मान लो, तो स्वाध्याय भवन का वजन कितना होगा? टनों में होगा ये तो। अपना वजन तो बढ़ता नहीं। सोचना पड़ेगा ना, हर दृष्टिकोण से इस विषय को अपने को समझना पड़ेगा कि ज्ञान में चाहे ज्ञेयकार के प्रकाशन की अवस्था हो और चाहे अपने ज्ञायक को प्रकाशित, स्वरूप को प्रकाशित करने की अवस्था हो, ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान रूप ही रहती है। इसको गुरुदेव श्री इस भाषा में कहते थे, ज्ञान तो ज्ञान को प्रसिद्ध करता ही है, वास्तव में तो ज्ञेय भी ज्ञान को ही प्रकाशित करते हैं। ख्याल में आ गया ना? क्योंकि अगर ज्ञेय ज्ञान को प्रकाशित नहीं करते होते तो ये ज्ञेय है ये साक्षी किसने दी है बताओ? बस ज्ञान ने दी, बात पूरी हो गई। आगे बात समझ में ना। तो इसलिए कहा यहां पे कि जानने के काल में भी ज्ञान की पर्याय कैसी है? ज्ञान रूप ही है, अन्य रूप नहीं। अन्य रूप नहीं माने जिसको जानती है, मैं जो जानने में आ रहा है। अब समझाना तो पड़ेगा, इतना बोलना तो पड़ेगा कि जो जानने में आ रहा है ज्ञेयाकार, तो उस ज्ञेय रूप वो ज्ञान की पर्याय कभी हुई नहीं। ऐसा मार्ग घणो, मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई, अनादि का शल्य पड़ा है, इसलिए ऐसी बात समझना कठिन पड़ती है। शल्य बहुत है, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, ये होगा तो फिर क्या, भाई इतनी शल्य माथे में घुसी हुई है, क्या करें उसके लिए। परंतु यह समझे बिना जन्म मरण का अंत आए ऐसा नहीं है भाई, प्रयत्न करके भी समझना पड़ेगा। बात आ गई समझ में? जो अनेक प्रकार के मिथ्या शल्य हमारे ज्ञान में पड़े रहते हैं वो सब के ये बात समझने के लिए तो प्रयत्न करके इस बात को समझना पड़ेगा। अगर जन्म मरण का अभाव करना हो तो छटाला में लिखा ना कि उन्होंने लिखा कि पास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कई मुनि यथा। फिर उसके पहले लिखा ना कि ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणा धार। फिर ये कहा ना उन्होंने कि ये कहने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ताई सुनो भवी मन थिर आन। क्यों सुने? कि जो चाहो अपनों कल्याण, कि तुझे यदि अपना कल्याण करना हो तो गुरु की गरज नहीं है। ये आचार्य भगवंतों की गरज नहीं है, ये ज्ञानियों की गरज नहीं है कि हम उनकी बात को सुने। क्योंकि हम नहीं सुने, नहीं समझे, नहीं परिणमन करें तो भी ज्ञानियों की ज्ञान दशा में कोई क्षति नहीं पहुंचती। ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसको सम्य दर्शन हुआ, यदि वो इतने लोगों को सम्य दर्शन प्राप्त कराएगा तो उसका सम्य दर्शन टिकेगा, ऐसा कोई नियम है? ऐसा नियम है क्या कोई है? कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ, अब यदि इतने लोगों को उन्होंने सम्य दर्शन प्राप्त करा दिया अपनी धर्म सभा में तो उनका केवल ज्ञान टिकेगा, और यदि इतने लोगों को सम्य दर्शन प्राप्त नहीं करा पाए तो उनके केवल ज्ञान को वापस मति शुद्ध ज्ञान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? तो भैया ऐसा उनको कोई गरज नहीं, गरज अपन लोगों को है। क्योंकि अपने को अपना हित करने की यदि गरज है तो, आत्महित करने की गरज है तो, भव का अभाव करने की गरज है तो, ये भव का ताई, इसलिए कहा ना ताई सुनो भवी मन स्थिर आन, मन को स्थिर करके। क्यों सुने? कोई जबरदस्ती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो चाहो अपनों कल्याण, कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो। वो यहां पे गुरुदेव श्री ने कहा, अभी देखो, ज्ञायक ज्ञान रूप परिणमता है, वह ज्ञाकार परिणमता है,
ऐसा है ही नहीं। लो अभी गया कार को उड़ा दिया। पहले क्या कहा था कि गया कार अवस्था में ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, वह तो स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। सब पहले तो आप ही कह रहे थे गयाकार, तो अगर हम ऐसा नहीं कहते तो तुझे बात ही समझ में नहीं आती। जैसे अपने बोले कि ये बताओ कि ये अपना जो चंद्र प्रभा जिनालय चैत्यालय या ये जो स्वाध्याय भवन है तो ये कहां है, तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं। कौन कौन से दो उत्तर हो सकते हैं? एक उत्तर तो ये हो सकता है कि चैत्यालय चैत्यालय में है। स्वाध्याय भवन कहां है? तो स्वाध्याय भवन में है। अब ऐसा अगर आप कहो और बस स्टैंड पे खड़ा कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई साहब मुझे वहां आना है, वो चैत्यालय है कहां? आपको चैत्यालय चैत्यालय में इतना नहीं समझते? तो आ गया वो चैत्यालय में, फिर आ गया, फिर क्या बोलना पड़ेगा कि एक ये मुखर्जी चौक है, सामने इधर एक सब्जी मंडी है, सामने एक ओसवाल भवन है, फलाना है, ये इन सबकी सापेक्षता से चैत्यालय को समझाया जाता है। लेकिन इन सब से चैत्यालय का लेना देना क्या है? कि लेना देना कुछ नहीं होने पर भी इतनी सापेक्षता अगर आप नहीं बताओगे तो आप उसका पता नहीं समझा सकते। तो पता समझाने के लिए इतनी सापेक्षता बताना जरूरी, और इस सापेक्षता में ही पड़ा रहे तो भी काम चलने वाला नहीं। गयाकार क्यों कहा आचार्य भगवान ने? क्योंकि अज्ञानी ज्ञान में मैंने ये जाना, इस भाषा शैली से वो परिचित है, तो पहले उसकी परिचित शैली से आचार्य देव ने बात की गयाकार अवस्था में भी, और फिर उसके बाद में क्या कर दिया कि उसका भी निषेध कर दिया। क्या कह रहे हो? कितनी बढ़िया शब्द का प्रयोग किया कि ज्ञायक ज्ञान रूप परण में परिणमता है, वह गयाकार परिणमता है ऐसा है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उस जिसको हमने गयाकार कहा था अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझाने के लिए, व्यवहार से जिसे गयाकार कहा था, जब हमने उस ज्ञान की छनावट की तो वहां हमें एक अविभागी प्रतिच्छेद भी गेय का दिखाई नहीं दिया, एक अविभागी प्रतिच्छेद भी, शुद्ध रूप से वो ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप दिखाई दिया। इसलिए आचार्य कहते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि वो परिणमता है ऐसा है ही नहीं। अज्ञायक रूपी दीपक, यह ज्ञायक रूपी दीपक दया दान व्रत भक्ति पूजा इत्यादि परिणाम जो गेय हैं, उन्हें जानने के काल में भी ज्ञान रूप रहकर ही जानता है। राग को जानने के लिए ज्ञान को राग नहीं होना पड़ता। आया? राग होना पड़ता है। जैसे क्या होता है, कैमरा होता है ना, कैमरा, और सामने कोई आदमी है और कैमरा, उसके सामने अपन ने कैमरा किया और प्लस का बटन दबाया और कागज पर एक चित्र बन करके आया, रंग बिरंगा, तो चित्र बन करके आया, तो उस चित्र में उस आदमी का क्या है? आकार उसका आ गया, इधर आकार चित्र में कागज में आ गया। अगर उसका आकार इसमें आ गया तो वहां क्या बचा फिर? क्योंकि एक आदमी के दो जगह आकार नहीं हो सकते, वहां क्या बचा? वहां उसका कोई आकार, मतलब उसका कोई द्रव्य गुण पर्याय प्रदेश कैमरे में नहीं आए और कैमरा उसमें नहीं गया, और पेपर पर जिस तरह का आकार बना कलर का, वो रंगों का ही तो कमाल है, और है क्या उसमें? वो कागज ही तो है शुद्ध रूप से, लेकिन उस कागज में जिस तरह की रंग बिरंगी रचना हुई, उस रचना से हमें उस आदमी की पहचान हो जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये उस आदमी का चित्र है। गुरुदेव श्री का चित्र लगाए,
अब गुरुदेव श्री के इस चित्र में गुरुदेव श्री के शरीर का, अभी आत्मा की बात नहीं कर रहे, शरीर का द्रव्य आए, गुण आए, पर्याय आई, उनके आकार आया, उनका वजन आया, क्या आया, इसमें कुछ नहीं आया। ये क्या है कि ये शुद्ध रूप से एक पेंटर ने कलर ब्रश वगैरह की सहायता से एक पेंटिंग बनाई, लेकिन पेंटिंग जैसी बनी ठीक वैसे गुरुदेव थे। तो हम क्या बोलते हैं, ये गुरुदेव का चित्र है। चित्र नहीं बोलते, ये गुरुदेव, ये कौन है कि गुरुदेव, ये कौन है कि आचार्य कुंद कुंद है, ये कौन है कि फलाने संजीव है। तो उस बोलने में सच्चाई कितनी है ये बताओ, उस बोलने में सच्चाई कितनी है, तो उस बोलने में रंच मात्र सच्चाई नहीं है। केवल वो चित्र पर मैंने कागज पर कलर का कमाल है, उस चित्र उस कागज पर कलर के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उस कलर को किसी व्यक्ति के नाम से बताना, क्यों बताना, उसके पीछे भी कारण है कि यदि जैसा वो व्यक्ति होता, यदि वैसा कलर का उस प्रकार की डिजाइन नहीं होती, तो आप व्यवहार से भी ये नहीं कह सकते थे कि ये वो है। ये व्यवहार भी कब लागू पड़ा कि जैसा वो है वैसा ठीक कलर का डिजाइन, कलर की कलर के आकार प्रकार कलर में उस पेपर पर बने हुए हैं, इसलिए हम व्यवहार से उस पेपर के चित्र पर उस व्यक्ति का आरोप करके हम ये बोलते हैं कि ये वो है। अब ये वो है अगर ऐसा माने, जैसे होता है ना कि बहुत से खाने पीने की चीजें होती है, अब खाने पीने की चीजों में चीजों का जो उसकी जो डिजाइन होती है, उसके जो आकार प्रकार होते हैं, वो पेपर पर उतार करके विज्ञापन वाले विज्ञापन देते, तो हम उस विज्ञापन को देख करके किसको पकड़ते, विज्ञापन के आकार प्रकार को देख करके हम किसको पकड़ते, उस पदार्थ को पकड़ते हैं, है ना, वो हमें ख्याल में आ जाता है कि किसका विज्ञापन है, है ना? तो अब यहां पर ये सिद्धांत दृष्टांत में तो उल्टा घटित होगा, अभी सिद्धांत में लगाओ इससे उल्टा आ जाएगा कि ज्ञान में उस तरह के गेयाकार देखकर अज्ञानी गेय की प्रसिद्धि करता है और ज्ञानी ज्ञान की पर्याय में उस प्रकार के गेयाकार देखकर अपने ज्ञान की प्रसिद्धि करता है। क्यों? क्योंकि गेयाकार ज्ञान में आते ही नहीं, गेय के आकार शुद्ध रूप से गेय के पास रहते हैं और ज्ञान में बनने वाला आकार शुद्ध रूप से ज्ञान का परिणमन है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय ज्ञान का लगा है, जिसमें सटकारक ज्ञान का लगा है, जिसमें व्याप्य व्यापक संबंध ज्ञान का है, जिसमें कर्ता कर्म की अनन्यता, यही शब्द का प्रयोग तो किया आचार्य देव में छठी गाथा में, क्या लिया, कर्ता कर्म की अनन्यता के ये शब्द का प्रयोग किया कि वो ज्ञान की है, इसलिए सच में वो ज्ञान ही है। ये यहां पे कह रहे हैं कि देखो यहां पे क्या कह रहे हैं कि ज्ञायक रूपी दीपक दया दान व्रत भक्ति पूजा इत्यादि परिणाम जो गेय हैं उन्हें जानने के काल में भी ज्ञान रूप रहकर जानता है, अन्य गेय रूप होता नहीं, गेयों का ज्ञान वह ज्ञान की अवस्था है। अब इससे ज्यादा क्या, गेयाकार ज्ञान वह ज्ञान की अवस्था है। फिर गेयाकार क्यों बोल रहे हो कि गेयाकार नहीं बोले तो आप और हम समझ नहीं सकते, तो गेयों की सापेक्षता से ज्ञान का कथन करना ये व्यवहार है और ज्ञान की गेयों की सापेक्षता से ही ज्ञान को मान लेना, गेय की सापेक्षता रूप ही ज्ञान को मान लेना कि ये मिथ्यात्व है।
माने ज्ञान को गेयाकार कहना, किसको यूं समझो कि ज्ञान को गेयाकार कहना यह है व्यवहार, और ज्ञान को गेयाकार ही मान लेना यह है मिथ्या। कहना व्यवहार क्यों? क्योंकि कहने में यह बात सम्मिलित है। क्या बात सम्मिलित है? कि जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं है। व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार किसे कहते हैं, ऐसे बताओ, व्यवहार किसे कहते हैं? जो नहीं है वैसा कहने का नाम व्यवहार है। नहीं है वैसा कहना क्यों? क्योंकि जैसा है वैसा अगर वो कह दे तो निश्चय हो जाए। ख्याल में आ गया? व्यवहार कहते हैं उसे। उपचार का नाम व्यवहार, यथार्थ का नाम निश्चय, मोक्षमा प्रकाशक के सातवें अधिकार को प्रारंभ करते हुए पंडित टोडरमल जी ने एक बहुत मार्मिक परिभाषा लिखी। संक्षिप्त परिभाषा यह लिखी उन्होंने, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार, है ना। दूसरी परिभाषा उन्होंने लिखी, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वद्रव्य के भाव परद्रव्य के भाव, कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। और जैसा व्यवहार ने निरूपण करता है वैसा ही मान लेने का नाम मिथ्या। देखो एक घटना, आपको उस घटना से बहुत अच्छा उदाहरण समझ में आएगा व्यवहार निश्चय का। कुछ दिन पहले मेरा यानी व्यवहार को समझाने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण घटित होता है कि कुछ दिन पहले खंडवा जाने का अवसर मिला था। खंडवा, खंडवा नाम तो सुना होगा, सुना है ना। तो वहां पर जो अपनी जैन धर्मशाला है, उस जैन धर्मशाला के सामने एक दुकान, मतलब एक मार्केट जाता है। दो बार मैं खंडवा जा गया, दोनों बार उस मार्केट में गया। तो वहां उस मार्केट में एक दुकान है, और उस दुकान का नाम क्या है पता है आपको? नाम सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। मैंने कहा जरूर, मैंने कहा अगर ये जैन है तो इसने मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा होगा। उस दुकान का नाम है नकली सोने की असली दुकान। ये फर्म का नाम, मतलब उसमें लिखा हुआ बोल्ड टाइटल, क्या लिखा? हाँ, नकली सोने की असली दुकान। हाँ लिखा है उसने। अभी अभी मैं एक बार देखा, मैंने कहा ये क्या है, क्या लिखता है? मतलब कोई विधान में गए थे, भाई जी का कोई प्रोग्राम था उसमें गए थे। फिर दूसरे दिन हम भोजन करने के बाद फिर घूमने गए, मैंने कहा देखने चले, वो अपन ने पढ़ा था, अपने को कोई डाउट हुआ है, फिर पढ़ा। मैंने कहा नकली सोने की असली दुकान, माने वो दुकान क्या कह रही है कि अगर तुम्हें नकली सोना चाहिए, माने आर्टिफिशियल सोना चाहिए, तो उस आर्टिफिशियल सोने की यानी नकली सोने की असली दुकान ये है। यहां तुम्हें गारंटी से असली सोना नहीं मिलेगा। ये हो गया नहीं हो गया? नकली सोने की असली दुकान, इसका मतलब क्या हुआ कि इस दुकान पर तुम्हें गारंटी से असली सोना नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि हम नकली सोना बेचते हैं, व्यवहार ने यही कहता है। क्या कहता है? कि मैं असत्य बोलने की सत्य दुकान हूं। क्या मतलब? समझना है कि मतलब क्या, कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम मानना मत। कहना जरूर, क्योंकि कहे बिना तुम्हारा लोक व्यवहार नहीं चलेगा। कहोगे नहीं तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा, और वैसा ही मान लोगे तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे, परमार्थ नहीं सधेगा। तो लोक व्यवहार में लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग होता है ना। कोई अपने से पूछे कि भाई साहब आप मुझे जानते हो, और अपन उससे ये कहें कि मैं तो अपने ज्ञान को ही जानता हूं, तुम्हें कहां जानता हूं, तो वो कहेगा इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजो, क्योंकि ये उसी के लायक है। अरे बोलने में क्या तकलीफ है तुझे, मान्यता में तो ये मान के बैठा है कि मैं पर को जानता हूं, और बोलने में तकलीफ करता है। क्या एक बार बोलने में बोलने कोई तकलीफ नहीं है, मान्यता बदल ले, क्योंकि लोक में बोला तो जाएगा कि मैंने भगवान को देखा, मैंने इस पुस्तक को देखा, मैंने ये जाना,
बोलने में कोई आपत्ति नहीं। जैन दर्शन बोलने की छूट देता है और मानने का निषेध करता है। व्यवहार बोलने का नाम है, बोले जाने वाली भाषा का नाम व्यवहार, और मानने का विषय होता है उसका नाम है परमार्थ। आप बोलो, बोलने में क्या तकलीफ है? अपने से कोई पूछे आपकी उम्र कितनी तो सीधा बताना पड़ेगा। शरीर की सापेक्षता से उम्र का कथन है ना, आधार कार्ड बनाने गए अथवा वोटर आईडी बनाने गए और वो पूछेगा आपकी उम्र कितनी, वो कहे मैं अनादि अनंत हूं। तो कभी अनादि अनंत है तो फिर यहां काहे को वोटर आईडी बनाने आया। बोलने में लोक की भाषा का प्रयोग जिनवाणी करती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाषा से बचते हैं और मान्यता में वही बात पड़ी है। जैन दर्शन क्या कहता है, भाषा में तुम जो बोलना है बोलो, कोई तकलीफ नहीं हमको, मान्यता बदल लो। आ गया, बोलो, व्यवहार से बोलने में कोई आपत्ति नहीं। केवली भगवान लोकालोक को जानते, कहां जानते, क्या तकलीफ, बोलने में क्या तकलीफ है। लेकिन वास्तव में लोकालोक को जानते या लोकालोक संबंधी अपने ज्ञान को जानते। लोकालोक जिसमें झलक रहा है, लोकालोक के गयाकार जिसमें बने, ऐसे अपने ज्ञान को, तो अपने ज्ञान को जानते तो अपना ज्ञान ज्ञाने के लोकालोक है, कि वो ज्ञान लोकालोक है कि ज्ञान है, कि वो तो ज्ञान है। इसलिए यहां पे गुरुदेव श्री ने कहा कि लोक वो गयाकार तो ज्ञान में आते ही नहीं, लोकालोक एक है ना, दया दाद भक्ति इत्यादि के परिणाम जो गेय हैं उन्हें जानने के काल में भी ज्ञान रूप रहकर ही जानता है। मतलब ज्ञान बदल करके उन रूप हो गया ऐसा नहीं है, अन्य गेय रूप होता नहीं। गेयों का ज्ञान वह ज्ञान की अवस्था है, गेय की नहीं। क्यों गेय की नहीं, क्योंकि गेय का उसमें कुछ भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय गेय के, ज्ञान की पर्याय गेय के जान पने रूप हुई, इसलिए उसे गेय कृत जान पने रूप हुई नहीं, इसलिए उसे गेय कृत अशुद्धता नहीं है। अगर वो गेय के जानने रूप हो जाती, गेय रूप हो जाती तो गेय कृत अशुद्धता हो जाती। तीर्थंकर भगवान सामने हो और वे उन्हें जानने के आकार ज्ञान का परिणमन होता है, वह उस गेय के कारण से हुआ है ऐसा नहीं है। कितनी स्वतंत्रता है ज्ञान जानने के लिए, गेयों के अधीन नहीं है। ज्ञान जानने के लिए स्वतंत्र है, गेय कौन सा हो और ज्ञान कौन सा होता है नहीं होता। सामने कभी कोई चीज पड़ी और हमें ज्ञान क्या हो जाता है, भ्रम होता है कि नहीं, तो उसमें क्या है। गेयों से अगर ज्ञान, गेय के कारण से ज्ञान होता हो तो एक सीधा सीधा न्याय, लोकालोक सदा काल विद्यमान है और हमें लोकालोक का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, फिर नक्की तो करना पड़ेगा ना। इसलिए फिर कहते हैं ते उस काल में ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र अपने से ही है। कैसा है ज्ञान का परिणमन, स्वतंत्र अपने से ही है, पर के कारण हुआ नहीं है। भगवान के जानने के काल में भी भगवान ज्ञात हुए हैं ऐसा नहीं है। कितनी बढ़िया कह रहे हैं बात, ऐसा नहीं है, परंतु वास्तव में तत्संबंधी अपना ज्ञान ज्ञात हुआ है। अपना ज्ञान ज्ञात हुआ तो अपना ज्ञान किसके साथ अभिन्न है, अपने आत्मा के साथ अभिन्न है, तो अपनी आत्मा के साथ अभिन्न है तो वास्तव में अपना आत्मा ही ज्ञात हुआ है, एकदम आत्मा पर पहुंच जाएगा। देखो सीधी सी बात है, ज्ञान की जिसके साथ अभिन्नता है, माने जिसके साथ हम ज्ञान की अभिन्नता मानेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। हम ज्ञान की गेय के साथ में अभिन्नता मानेंगे तो हम गेय पर जाएंगे, और हम ज्ञान की ज्ञायक के साथ अभिन्नता मानेंगे तो हम ज्ञायक पर आएंगे। अनादिकाल से क्या हुआ, हमने ज्ञान की गेय के साथ में अभिन्नता मानी, और अनादिकाल से गेय सन्मुख ही
हमारा उपयोग, हमारी वृत्ति, हमारी प्रवृत्ति रही, और गेय माने पर के सन्मुख उपयोग वृत्ति प्रवृत्ति रहने से हम लोगों की पर्याय में क्या हुआ, निरंतर विकार भाव का जन्म होता रहा। अब जब ज्ञान ज्ञाय के साथ अभिन्न है, गेय के साथ ज्ञान की अत्यंत भिन्नता है, जब हमने ये निर्णय किया और ज्ञान की पर्याय में गेय नहीं लेकिन तत्संबंधी ज्ञान जानने में आया, तत्संबंधी ज्ञान ये भी उस गेय का एक प्रकार से ज्ञान पर उपचार हुआ, असद्भूत व्यवहार हुआ। वास्तव में ज्ञान उस संबंधी ज्ञान माने ज्ञान ही, अब उस संबंधी का विकल्प भी खत्म करो, ज्ञान ही जानने में आया कि ये सद्भूत व्यवहार हुआ। ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान जानने में आया, वो ज्ञान ज्ञायक ही है, ज्ञायक से अभिन्न होने से वह ज्ञायक ही है, इस तरह परमार्थ तक पहुंच जाना चाहिए। ये यहां पे कह रहे हैं ज्ञान ज्ञात हुआ है, आत्मा जानने वाला है, वह जानता है, वह पर को जानता है या नहीं, प्रश्न खड़ा किया गुरुदेव ने। तो जानने वाला है ना, तो वो जानता है, तो पर को जानता है या नहीं, तो गुरुदेव जी ने कहा तो कहते हैं कि पर को जानने के काल में भी स्वयं का परिणमन मन ज्ञान का परिणमन स्वयं से हुआ है, पर के कारण से नहीं। मैंने पर को नहीं जानता डायरेक्ट ये बात नहीं कही, उनने क्या कहा कि पर को जानने के काल में भी, क्योंकि गेयाकार उस संबंधी गेयाकार ज्ञान में बना ना, तो उसको अगर आपको पर का जानना कहना है तो आप कह दो, लेकिन सच में वास्तव में उस संबंधी गेयाकार जो कि सच में ज्ञान के आकार हैं, तो वास्तव में तो उस ज्ञानाकार को ज्ञान जानता है ना, तो वो कहते हैं कि वो पर के कारण नहीं हुए हैं। इस शास्त्र के शब्द जो गेय हैं उन गेय के आकार ज्ञान होता है, परंतु वह गेय है इसलिए ज्ञान का यहां परिणमन हुआ है, ऐसा तीन काल में नहीं है। गेय की ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है कि गेय के कारण से ज्ञान का परिणमन हुआ, ऐसी पराधीनता ज्ञान को नहीं है। उस समय ज्ञान के परिणमन की योग्यता से अर्थात गेय का ज्ञान होने की स्वयं की योग्यता से ज्ञान हुआ है। आ गया, किसकी योग्यता से ज्ञान हुआ, ज्ञान की योग्यता से ज्ञान हुआ। तो ज्ञान की योग्यता ज्ञान में रहती है कि गेयों में रहती है, सीधी सी बात है। क्या आप क्या करें, ज्ञान की योग्यता तो है, ज्ञान तो तैयार बैठा है जानने के लिए, लेकिन सामने गेय ही नहीं है, है ना। मुझे समय सार को जानना था लेकिन सामने समय सार ही नहीं है, कि जान तो लिया तूने समय सार को, गेय की सापेक्षता ज्ञान को नहीं है। गेय की सापेक्षता मानने वाला जगत में एक बौद्ध मत है, कौन सा मत है, बौद्ध मत, वो गेय की सापेक्षता से ज्ञान मानता है। वो जैनियों के ऊपर यही आक्षेप है उनका कि तुम गेयों से ज्ञान नहीं मानते, तो तुम्हारे यहां ज्ञान किसको जानेगा, इसका नियामक कौन है, ऐसा वो प्रश्न करते हैं। तो अपने यहां पर परीक्षा मुख सूत्र में उत्तर दिया उनको कि ज्ञान की उस समय की योग्यता स्वावरण रूप क्षोभ सम की उस प्रकार की योग्यता किस गेय को जाने, क्योंकि केवल ज्ञान में तो ये सवाल ही नहीं है कि किस गेय को जाने, तो ये जो किस गेय को इस समय ज्ञान किस गेय को जानेगा, ये प्रश्न नियम से छद्मस्त के ज्ञान के लिए होगा, क्योंकि केवल ज्ञान में तो सारा विश्व, कोई विश्व का द्रव्य गुण पर्याय अविभागी प्रतिच्छेद जानने में बाकी नहीं रहता, लेकिन वो जो जानने में आता है वो गेयाकार रूप ज्ञानाकार है। देखो लघु तत्व स्फोट नाम का अपने यहां पर एक ग्रंथ है, अमृतचंद्र सूरी ने उस ग्रंथ की रचना की है, बहुत गंभीर ग्रंथ है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, 25 अधिकार है, एक अधिकार में 25-25 श्लोक हैं, और पहले अधिकार में 24 तीर्थंकरों की सामूहिक स्तुति और बाद के 24 अधिकार में एक एक तीर्थंकर की स्तुति। उसमें आचार्य भगवान ने एक गाथा डाली है, उस गाथा में लिखा कि हे भगवान आपके ज्ञान में
पांच अजीव द्रव्य भी चेतन रूप से ज्ञात होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई पुद्गल में जो ज्ञात हुए ना, जीव में जो ज्ञात हुए ना, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये है तो अचेतन, लेकिन ये आपके ज्ञान में चेतन रूप से ज्ञात है। क्या मतलब? कि आपने अपने ज्ञान में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल को जाना, सच में उनको नहीं जाना, उन संबंधी अपने ज्ञान को जाना। ये वहां पर उन्होंने खुला संकेत दिया। स्वपर प्रकाशक की जितनी बढ़िया चर्चा उस लघु तत्व स्पोर्ट में आई है, शायद आपको पढ़ने नहीं मिली, इतनी गंभीर चर्चा आई है। और उसमें भी जो पंडित पन्ना लाल जी साहब ने जो अर्थ किए, जो वाराणसी से लघु तत्व स्पोर्ट का स्पोर्ट ग्रंथ छपा है, उसमें जो अर्थ किए उन्होंने, वो बहुत गंभीर किए, बहुत अच्छे अर्थ किए। योग्य देखो क्या कहा, गेयों के आकार परिणमता है, उस ज्ञान की पर्याय की अपनी योग्यता से परिणमता है। गेय है इसलिए परिणमता है, कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। अब सुगम भाषा में तो भावार्थ कहते हैं। ये बात यहां पर कहने के बाद अब पंडित जयचंद जी का भावार्थ, इस गाथा पर बहुत जोरदार भावार्थ पंडित जी साहब ने लिखा। और कोई जीव इस छठी गाथा के मर्म को नहीं समझकर कदाचित एकांत अर्थ ग्रहण करे तो वहां पर भी पंडित जी ने चेताया है। कोई प्रमत अप्रमत नहीं है, तो प्रमत अप्रमत नहीं है का मतलब पर्याय में भी पर्याय नहीं है। अगर ऐसा तुम मानते हो तो बौद्ध मत की तरह नहीं, नहीं बौद्ध मत तो क्षणिक को मानता है, सांख्य मत की तरह सर्वथा कुटस्थ का प्रसंग आएगा। जैन दर्शन आत्मा को अपरिणामी मानता है, लेकिन सांख्यों की भांति अपरिणामी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अपरिणामी का निर्णय भी अपरिणामी नहीं करता, अपरिणामी का निर्णय परिणामी परिणाम करता है। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें, नित्य का निर्णय नित्य नहीं करता, नित्य का निर्णय अनित्य करता है, पर्याय करता है। ध्रुव का निर्णय ध्रुव नहीं करता, ध्रुव का निर्णय पर्याय करती है। नहीं बदलते का निर्णय नहीं बदलता तत्व नहीं करता, नहीं बदलते तत्व का निर्णय बदलने वाली पर्याय करती है ना। तो अपने यहां पर अपरिणामी ध्रुव, ये अपरिणामी ध्रुव का स्वीकार किसने किया कि परिणाम में, तो परिणाम तो आया लेकिन ध्रुव तत्व में वो एक समय का परिणाम नहीं है, परिणाम में भी परिणाम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। वो बात भी पंडित जी इसमें कहेंगे और बहुत गंभीर भावार्थ है, बहुत अच्छे अर्थ किए हैं। देखो पंडित जयचंद जी छाबड़ा के ये भावार्थ कई जगह बहुत बड़ा काम कर गए हैं। अगर ये भावार्थ नहीं होते तो समय सार के हार्द को समझना थोड़ा कठिन जरूर होता। जो बात जयचंद जी साहब 300 साल पहले कर गए, गुरुदेव ने भी कई जगह पंडित जयचंद जी के प्रति इसलिए अहोभाव व्यक्त किया है कि पुराने जमाने के पंडित भी कितने गजब होते थे, गृहस्थाश्रम में थे, ज्ञानी थे, गृहस्थाश्रम में थे, लेकिन आचार्य भगवान के हृदय को खोल करके रख दिया, है ना। तो ये बात है, इसकी चर्चा बाद में।